एवरीवन, आज की मूवी का नाम है कॉन एयर, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ कैदियों को प्लेन से एक दूसरी जेल में लेकर जाया जा रहा था, एक ऐसी जेल जिससे भागना इम्पॉसिबल था। एक के बाद कई कैदी प्लेन में बैठते हैं, जैसे मर्डरर्स, किडनैपर्स, टेररिस्ट एक्सेट्रा। कैदियों को अच्छी तरह से लॉक करके प्लेन उड़ान भरता है। उसके बाद एक ग्रीसम नाम का आदमी अपने हाथ से कोई चीज निकालने की कोशिश करता है। अपने हाथ में उसने एक मेटल वायर फंसा रखा होता है और उसके चेहरे से लग रहा है जैसे इसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ग्रीसम आसपास देखता है और ये मेटल वायर से आसानी से हथकड़ी खोल देता है। दूसरी ओर पार्कर नाम का कैदी अपने मुंह से एक धागे जैसी चीज निकालता है। उसके लास्ट में एक पेपर फोल्ड होता है जिसके अंदर एक माचिस की तिल्ली और कुछ गैसोलीन होता है। ग्रीसम के एक इशारे पर पार्कर गैसोलीन की बोतल की कैप खोल देता है और सारा गैसोलीन बगल वाले बंदे पर डाल देता है। वो तिल्ली से आग जलाकर गैसोलीन पर डाल देता है। वहाँ आग लग जाती है, जगह पूरी तरह से धुएं से भर जाती है। पार्कर मौका देखकर चाबियां चुरा लेता है और फटाफट लॉक खोलकर गेट खोल देता है। फैलर नाम का बंदा जेल से बाहर आकर पुलिस वाले को हथकड़ी से मार देता है। सारे पुलिस वाले सतर्क होकर सबको इलेक्ट्रिक बैटन से बेहोश करने लगते हैं। भगदड़ का फायदा उठाकर ग्रीसम भी बाहर आ जाता है और एक ही मुक्के में एक पुलिस वाले को घायल कर देता है। वो पायलट के कैबिन की तरफ बढ़ता है। एक आर्म्ड को पायलट बाहर आता है पर ग्रीसम उस पर भी अटैक कर देता है और बंदूक मिसफायर हो जाती है और कई लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। अपनी ताकत की वजह से ग्रीसम जल्द ही को पायलट को मारकर उसकी गन ले लेता है और पायलट के माथे पर लगा देता है। वो कहता है कि कंट्रोल रूम को बोलो यहाँ पर सब ठीक है वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। अब ग्रीसम इकलौता ऐसा इंसान था जिसके पास गन थी और इसीलिए वो बन जाता है वहाँ का लीडर। वेलकम टू द कॉन एयर। फिर हमें एक पो नाम का बंदा दिखाया जाता है। पो एक आर्मी ऑफिसर था और जब किसी बंदे ने शराब पीकर उसकी वाइफ के साथ मिसबिहेव करा तो गुस्से में पो ने उसे मार दिया, इसलिए उसे 8 साल की जेल हुई थी। वो जेल में था इसलिए उसने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा। उसने बस थोड़ी फोटोज में अपनी लड़की को देखा था जो उसकी वाइफ ने भेजी थी। जेल में पो ने हमेशा अच्छा व्यवहार किया है और पो की लड़की के 8वें बर्थडे पर उसे जमानत भी मिल जाती है जिससे वो उसे पर्सनली विश कर सके। एक्चुअली पो फ्लाइट में इसीलिए है क्योंकि ये प्लेन उसी के शहर जा रहा है और वो प्लेन में बैठकर आसानी से घर पहुंच जाता जैसा कि उसने सोचा था, पर ये ट्रिप आसान तो कतई नहीं है। सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया जाता है। ग्रीसम सभी कैदियों की हथकड़ी खुलवा देता है। जैसे ही इस कैदी की बारी आती है ये हथकड़ी खुलवाकर तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है और एक दूसरे कैदी को पकड़ लेता है। अब हमें पता चलता है कि ये बंदा FBI का अंडरकवर एजेंट है और इसे यहाँ ये इंश्योर करने के लिए भेजा था कि कोई कैदी भाग ना सके। पो FBI एजेंट को शांत होने को कहता है पर FBI एजेंट पो की एक नहीं सुनता और इसीलिए ग्रीसम उसे शूट कर देता है पो की आंखों के सामने। अमेरिका के सबसे शातिर और खतरनाक क्रिमिनल्स के आगे सारे सिक्योरिटी मेजर ध्वस्त हो जाते हैं। ग्रीसम दिमाग लगाकर प्लेन को सही जगह लैंड भी करवा देता है। वहाँ उतरने से पहले ही ग्रीसम और दूसरे कैदियों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब वो सब एक ड्रग माफिया के बेटे को छुड़वाने की प्लानिंग करते हैं। वो प्लेन में एक ओल्ड आदमी को भेजकर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर निकलवा लेते हैं। प्लेन के उड़ने से पहले ग्रीसम वहाँ मौजूद गार्ड्स को मार देता है और अपने सेल में एक बॉम्ब भी फिट करवा देता है जिससे कुछ और पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने रिकॉर्डिंग प्रूफ FBI एजेंट की बॉडी से निकाल कर दूसरी बॉडी पर लगा दिया था जिससे अथॉरिटीज को पता चल जाए कि प्लेन पर क्या चल रहा है। पर बॉम्ब ब्लास्ट में वो टेप रिकॉर्डर भी उड़ गया होगा इसलिए उसे कोई और प्लान सोचना होगा। इसलिए वो दिमाग लगाता है और ग्रीसम से मिलकर ये पता लगा लेता है कि अब प्लेन कहाँ उतरेगा। रास्ते में ही अचानक प्लेन नीचे गिरने लगता है इसलिए पो को नीचे चेक करने के लिए भेजा जाता है। पो वहाँ देखता है कि एक लाश प्लेन के व्हील में अटक गई है। वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और डेड बॉडी की टी शर्ट पर सारी घटना लिखकर उसे नीचे फेंक देता है। बॉडी एक गाड़ी पर गिरती है जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे पुलिस को सारी घटना का पता चलता है वो US मार्शल को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मार्शल पूरी फोर्स को इस जगह भेजता है जहाँ प्लेन अब लैंड करने वाला था और खुद भी वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर एक क्रिमिनल एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे पो का जमानत वाला लेटर मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि पो कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। वो पो की सच्चाई जान जाता है इसलिए पो के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे मार देता है। प्लेन रनवे तक पहुंच जाता है पर इस बार उनकी लैंडिंग स्मूथ नहीं होती और प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन एक प्रोपेन कंटेनर से टकराने से पहले ही रुक जाता है। ग्रीसम प्लेन से उतरता है पर उसे वो जेट प्लेन नहीं दिखता जो ड्रग माफिया के बेटे ने वहाँ भेजने का वादा किया था। ग्रीसम ये देखकर उदास हो जाता है। अंदर पो उन पुलिस वाले को आजाद कर देता है जिन्हें कुछ टाइम बाद मारा जाने वाला था और साथ ही पो सभी कैदियों के बीच फूट डाल देता है ये कहकर कि ड्रग लॉर्ड के बेटे पर विश्वास नहीं किया जा
सकता। इसलिए ग्रीसम अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि गार्ड्स को ना मारा जाए, जिससे वो किसी भी इमरजेंसी में ब्लैकमेल करने में काम आएंगे। ग्रीसम प्लेन को ग्राउंड से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। इसी बीच पो पूरी जगह को सर्च करता है। उसे अपने सेलमेट और दोस्त के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत थी, जो अगर नहीं मिला तो वो मर जाएगा। जब पो मेडिसिन ढूंढ रहा होता है, कोई उस पर पीछे से अटैक करता है। पो समझ जाता है कि ड्रग लॉर्ड का बेटा सबको मारकर खुद चुपचाप बच निकलने का प्लान बना रहा है। वो लोग पो को मारने ही वाले होते हैं, पर यूएस मार्शल जो वहीं छिपा हुआ था वो पो को बचा लेता है और दोनों साथ में सबको मार देते हैं। पो फाइनली आजाद हो जाता है, पर वो भागने की जगह वापस प्लेन के पास चला जाता है। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। सीन चेंज होता है और अब किसी तरह ग्रीसम को पता चल जाता है कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए वहां आ रही है। जैसा कि पो ने कहा था, ड्रग लॉर्ड का बेटा विश्वास का पात्र नहीं है। आखिरी टाइम पर वो अपना प्राइवेट जेट लेकर वहां से भाग जाता है। यूएस मार्शल क्विकली एक्ट करता है और भाग कर फाटक बंद कर देता है, जिससे जेट टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। ऐसे दुश्मन को ग्रीसम जिंदा कैसे जाने देता, इसलिए वो प्लेन के फ्यूल पर सिगरेट डाल देता है, जिससे ड्रग लॉर्ड का बेटा मर जाता है। पुलिस उनके पास और पास आने लगती है। ग्रीसम सबको हथियार देकर उनको उनकी पोजीशन पर सेट कर देता है। जब पुलिस वहां आती है तो उनका स्वागत कुछ इस प्रकार किया जाता है कि कुछ टाइम के लिए वहां सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा फोर्स आने लगती है। ग्रीसम को पता है कि वो सबको मार नहीं पाएगा, इसलिए वो भागने की प्लानिंग करता है। सारे कैदी मिलकर अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को पीछे खींचते हैं, क्रिमिनल्स भाग ना पाए, इसलिए पो अपनी जान खतरे में डालकर प्लेन को एक रस्सी से बांध देता है। फिर वो मौका देकर प्लेन के कैबिन में घुस जाता है और अपने दोस्त की जान बचा लेता है। पर एक छोटी सी रस्सी इतने बड़े प्लेन को कैसे रोक सकती थी, वो टूट जाती है और प्लेन उड़ जाता है। बोर्ड पर सब नाच गाना करते हैं। इसी बीच ग्रीसम रियलाइज करता है कि उनका प्लेन बार बार फेल हो जाता है और वो समझ जाता है कि उन्हीं में से कोई पुलिस वालों से मिला हुआ है। वो एक हॉस्टेज के माथे पर बंदूक लगा देता है और वो हॉस्टेज को बचाने के लिए अपनी असली आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है, पर उसका फ्रेंड कहता है कि वही है जो पुलिस वालों को सब बता रहा है। ग्रीसम उसे शूट कर देता है। अब हेलीकॉप्टर्स में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और फायर करने लगती है, इसीलिए ग्रीसम हेलीकॉप्टर से फाइट करने में बिजी हो जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरता देख वो खुद को रोक नहीं पाता और अटैक करने लगता है। वो पायलट के कैबिन में घुसकर पायलट को लास वेगस लैंड करने के लिए कहता है, पर अचानक उनके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। रोड पर पुलिस उनके स्वागत में पहले से ही खड़ी होती है। प्लेन के लैंड करते ही पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है। कई कैदी पकड़ लिए जाते हैं। ग्रीसम अपने दो साथियों के साथ बच निकलता है और एक फायर ट्रक पर बैठकर भागने लगता है। वो और यूएस मार्शल एक बाइक पर बैठकर उसका पीछा करते हैं। ग्रीसम फायर होस चालू करके उनकी तरफ निशाना लगा देता है। मौका देखकर पो कूदकर फायर ट्रक पर चढ़ जाता है। मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा जाती है और वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे ग्रीसम का एक साथी मारा जाता है। वो एक आयरन लैडर पकड़कर ग्रीसम पर अटैक करता है। कुछ देर फाइट करने के बाद ग्रीसम हवा में उड़ जाता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट की कन्वेयर बेल्ट पर लैंड करता है और मारा जाता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आखिरकार पो अपनी बेटी को उसका बर्थडे गिफ्ट दे देता है। डॉल गंदी होती है, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट से साफ करता है। स्टार्टिंग में उसकी बेटी थोड़ा सा हिचकिचाती है, पर बाद में वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और पूरी फैमिली रीयूनाइट हो जाती है।